6 ऑफ एनसीईआरटी क्लास 7 इंग्लिश टेक्स्ट बुक हनी ड्यू। आज हम हनी ड्यू बुक की पोएम 6 देखेंगे। पोएम का नाम है लकेन द कंगारू और पोएट का नाम है एडवर्ड हियर। तो लेट्स सी द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम। टू फ्रेंड्स डक एंड कंगारू एक जर्नी पे जाना चाहते हैं, लॉन्ग प्लेजर ट्रिप पे जाना चाहते हैं। दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। कंगारू हैप्पी है डक को ले जाने के लिए, लेकिन उसको कुछ ऑब्जेक्शंस थे। उसको उसके वेट फीट से भी प्रॉब्लम थी। तो डक ने कंगारू को कंफर्टेबल बनाने के लिए क्या किया, वो हम इस पोएम में फाइंड आउट करेंगे। पोएम एक कन्वर्सेशन है डक एंड कंगारू के बीच में, और इस पोएम में डक एंड कंगारू बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। और डक बहुत ज्यादा फैसिनेटेड है, अट्रैक्टेड है कंगारू की हॉपिंग से। जिस तरीके से कंगारू जंपिंग करता है और पूरे वर्ल्ड में घूमता है, डक बहुत ज्यादा उससे इम्प्रेस्ड है। और वो भी विश करता है कि काश वो कंगारू की तरह ही जंप कर पाता और पूरे वर्ल्ड में घूम पाता। डक यहाँ अपने फ्रेंड कंगारू से कह रहा है कि उसकी लाइफ तो बहुत बोरिंग है एक नेस्टी से पॉन्ड में। उसको तो कभी चांस नहीं मिला पूरी दुनिया में घूमने का और ऐसा एक्सपीरियंस लेने का। लेट्स सी व्हाट स्ट्रेंजर सेड द डक टू द कंगारू। गुड ग्रेशियस हाउ यू हॉप over the fields and water too, as if you never would stop. My life is a bore in this nasty pond, and I long to go out in the world beyond. I wish I could hop like you, said the duck to the kangaroo. यहाँ पे duck kangaroo से कह रहा है कि good gracious how you hop. Good gracious यहाँ पे surprise feeling को express करने के लिए use किया है। Duck बहुत ज़्यादा impressed है, fascinated है उसकी hopping से। जिस तरीके से kangaroo jump करता है तो वो surprise होके और उसकी उसको प्रेस कर रहा है, उसको अप्रिशिएट कर रहा है कि तुम किस तरीके से जंप करते हो फील्ड्स के ऊपर, वाटर के ऊपर, और ऐसा लगता है जैसे तुम कभी नहीं रुकोगे। डक आगे कहता है कि उसकी तो लाइफ बहुत ही बोर है इस नेस्टी से, इस डर्टी से पॉन्ड में। और उसकी विश है, लॉन्ग का मीनिंग यहाँ पे डिजायर और विश, उसकी विश है कि वो भी पूरी दुनिया में जाए, दूर दूर तक घूमने जाए। और उसकी विश थी कि वो भी कंगारू की तरह हॉप करे, यानी जंपिंग कर सके। इस तरीके से डक कंगारू से बात कर रहा है। तो डक यहाँ पे कंगारू को बता रहा है कि वो बहुत इम्प्रेस्ड है कंगारू की एबिलिटी से, जिस तरीके से वो जंपिंग करता है, हॉपिंग करता है और लैंड और वाटर में घूमता रहता है। ऐसा लगता है जैसे वो कभी नहीं रुकेगा। डक ये भी कहता है कि उसकी खुद की लाइफ तो इस पॉन्ड में बहुत ही बोरिंग है और वो भी पूरे वर्ल्ड में घूमना चाहता है। और उसकी भी विश है कि वो भी कंगारू की तरह जंपिंग करता और पूरी दुनिया में घूमता रहता। लेट्स सी नेक्स्ट स्ट्रेंजर। प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक, सेड द डक टू द कंगारू। आई वुड सिट क्वाइट स्टिल एंड से नथिंग बट क्वेक द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू, एंड वी वुड गो टू द बी एंड द जेली बोली, ओवर द लैंड एंड ओवर द सी। प्लीज टेक मी अ राइड ओ डू, सेड द डक टू द कंगारू। डक कंगारू से यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो भी उसको अपनी बैक पे बिठा के राइडिंग करने ले चले, और वो आगे प्रॉमिस कर रहा है कि मैं बिल्कुल भी हिलूंगा डुलूंगा नहीं, स्टिल बैठूंगा। स्टिल का मीनिंग होता है विदाउट एनी मूवमेंट, मोशनलेस। तो वो कह रहा है कि मुझे तुम अपनी बैक पे बिठा के राइडिंग करने ले चलो, और मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, सिर्फ क्वेक बोलूंगा और कुछ भी नहीं बोलूंगा, और विदाउट मूवमेंट बैठूंगा, बिल्कुल हिलूंगा डुलूंगा नहीं, पूरा दिन हम घूमते रहेंगे। और कहाँ कहाँ जाने के लिए उसने बोला, डी एंड जेली बोली ये प्लेस के नाम है और ली भी साइड ऑफ द हिल होती है। उसने कहा हम डिफरेंट प्लेसेस में जाएंगे, तो मुझे अपनी बैग पे बिठा के पूरे वर्ल्ड में घूमने ले चलो। इस तरीके से डक कंगारू उसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसकी बैग पे बिठा के उसे घूमने ले जाए, और डक साथ में प्रॉमिस करता है कि वो बिल्कुल स्टिल बैठेगा, बिना मूवमेंट के बैठेगा और कुछ भी नहीं बोलेगा, सिर्फ क्वेक ही बोलेगा। डक यहाँ पे प्रपोजल भी देता है कि डी एंड जेली बोली डिफरेंट प्लेसेस में, लैंड के ऊपर, वाटर के ऊपर, डिफरेंट जगह पे वो घूमने जाना चाहता है। तो डक यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट बार बार रिपीट करता है और कहता है कि प्लीज मुझे ले चलो। लेट्स सी द नेक्स्ट स्ट्रेंजर। सेड द कंगारू टू द डक, दिस रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शन, परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक, एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन, व्हिच इज इफ यू लेट मी स्पीक सो बोल्ड, योर फीट आर अनप्लेजेंटली वेट एंड कोल्ड, एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रूमेटिस, सेड द कंगारू। अब यहाँ पे कंगारू क्या रिप्लाई देते हैं डक की रिक्वेस्ट का। कंगारू एक्सप्लेन कर रहा है डक को कि मुझे इसमें थोड़ा सा कंसिडरेशन करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। यहाँ पे रिफ्लेक्शन का मीनिंग है सीरियस थॉट और कंसिडरेशन। तो कह रहा है कि मुझे थोड़ा सा कंसिडर करना पड़ेगा इस मैटर को, हमारे जो प्रपोजल है उसको। और साथ में वो ये भी कह रहा है कि मेरा गुड लक होगा, ये मेरे लिए भी अच्छा होगा कि अगर हम इस तरीके से घूमने जाएं। लेकिन उसको एक ऑब्जेक्शन था। क्या ऑब्जेक्शन था? उसने कहा अगर मैं फ्रेंकली बोलूं और तुम बुरा ना मानो, तो मैं बताऊं कि तुम्हारे फीट जो होते हैं वो बहुत ही अनप्लीजेंटली वेट एंड कोल्ड होते हैं। तो कंगारू ने यहाँ डक से कहा कि जो तुम्हारे फीट है वो बहुत ज्यादा वेट और कोल्ड है अनप्लीजेंटली, इसकी वजह से मुझे रूमेटिस हो सकता है, यानी अगर तुम मेरी बैग पे बैठे
तो तुम्हारे गीले और ठंडे पाँव से मुझे जॉइंट पेन्स हो सकता है। तो रूमेटिस एक डिजीज होती है जिसमें कि जॉइंट्स एंड मसल्स में पेन होता है। तो यही उसको ऑब्जेक्शन था और तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो कंगारू ने यहाँ पे फ्रैंकली डक को बताया कि वो इस मैटर पर कंसिडर करेगा उसके प्रपोजल पे, और ये एक गुड लक की बात होगी इस तरीके से उसको घुमाने ले जाना। लेकिन उसने फिर फाइनली बोला कि वेट और कोल्ड फीट से उसको एक प्रॉब्लम है, एक ऑब्जेक्शन है, क्योंकि अगर गीले और ठंडे पाँव से वो उस पर बैठेगा तो उसको रूमेटिस हो सकता है, यानी उसके जॉइंट और मसल्स में पेन हो सकता है, क्योंकि डक तो हमेशा पानी में रहता है तो उसके फीट भी वेट और कॉल्ड होते हैं। तो लेट्स सी कि फिर डक ने आगे इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या किया। सेट द डक एज आई सेट ऑन द रॉक्स, आई हैव थॉट ओवर दैट कंप्लीटली एंड आई बॉट 4 पेयर्स ऑफ सॉक्स व्हिच फिट माय फीट नीटली एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बॉट अ क्लॉक एंड एवरी डे अ सिगार आई विल स्मोक ऑल टू फॉलो माय ओन डियर ट्रू लव ऑफ अ कंगारू। डक ने यहाँ पे बोला कि मैं रॉक पे बैठा हुआ था और मैं इस पे सोच रहा था कंप्लीटली, और मैंने सोचने के बाद क्या किया, 4 पेयर ऑफ वूलन सॉक्स खरीद लिए, क्योंकि उसको वेट और कोल्ड फीट से प्रॉब्लम थी। तो उसके लिए उसने क्या किया, वूलन सॉक्स खरीद लिए ताकि उसके जो वेब फीट हैं, जो वेब की तरह जाले की तरह जो फीट होते हैं उसमें वो अच्छे से फिट हो जाए और उसको वार्म दे। तो इस तरीके से उसने प्रॉब्लम को सॉल्व किया। दूसरा उसने क्या किया, उसने कहा कि मैंने कोल्ड से बचने के लिए क्लॉक खरीद लिया। एक क्लॉक यहाँ पे ओवर गारमेंट होता है जो कि लूजली पूरी बॉडी से वो कवर कर देता है शोल्डर से नीचे तक। इस तरीके से उसने एक ओवर गारमेंट भी खरीद लिया, एक लंबा सा क्लॉक खरीद लिया या ओवर कोट खरीद लिया जिससे कि उसको कोल्ड नहीं लगेगी। और उसने ये साथ में कहा कि रोज मैं एक सिगार भी स्मोक करूंगा ताकि वो बॉडी को वार्म रख सके। तो ये सब कुछ उसने क्यों किया, क्योंकि वो कंगारू को बहुत चाहता था और वो चाहता था कि कंगारू को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो इस तरीके से डक ने एक्सप्लेन किया कंगारू को कि मैंने तुम्हारी जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करने के लिए 4 पेयर्स ऑफ वूलन सॉक्स खरीद लिए जो कि उसके वेब फीट में अच्छे से फिट हो जाए और उसको वार्म रखे। साथ ही डक ने परचेज किया एक क्लॉक यानी कि एक और गारमेंट या ओवर कोट कि उसको वार्म रखेगा, और उसने प्लान किया कि वो एक सिगार भी स्मोक करेगा एवरी डे, और इन सब चीजों की वजह से उसकी बॉडी भी वार्म हो जाएगी और कंगारू को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कंगारू उसका एक बहुत अच्छा फ्रेंड था और वो नहीं चाहता था कि कंगारू को कोई प्रॉब्लम हो। तो लेट्स सी द नेक्स्ट स्ट्रेंजर। सेड द कंगारू, आई एम रेडी ऑल इन द मूनलाइट पेयर बट टू बैलेंस मी वेल डियर डक सिट स्टेडी and quite at the end of my tail. So away they went with a hop and bound, and they hopped the whole world 3 times round. And who so happy? Oh who? As the duck and the kangaroo. तो यहाँ पे आपने देखा कंगारू की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। अब उसने वूलन सॉक्स खरीद लिए थे, क्लॉक खरीद लिया था और सिगार भी स्मोक करेगा। तो कंगारू ने कहा मैं रेडी हूँ, उसने उसके प्रपोजल को मान लिया, उसने उसकी रिक्वेस्ट को मान लिया। उसने कहा कि हम आज रात को निकलेंगे और जब मूनलाइट कुछ फेडेड हो जाएगी, लाइट इन कलर हो जाएगी, और साथ में उसने ये भी कहा कि बैलेंस करके बैठना है और स्टेडी बैठना है, स्टेबल बैठना है, यानी हिलना डुलना नहीं है और बैलेंस करके बैठना है। और कहाँ पे बैठने को बोला, टेल की एंड पे, यानी कंगारू ने बोला डक को कि उसकी टेल की एंड पे तुम्हें बैठना है और अच्छे से बैलेंस करके बैठना है, स्टेडी बैठना है, स्टेबल बैठना है। और इस तरीके से वो दोनों फ्रेंड निकल जाते हैं हॉप एंड बाउंड करते हुए, यानी जंपिंग एंड लीपिंग करते हुए, और पूरे वर्ल्ड के उन्होंने कितने टाइम्स राउंड काटे, 3 टाइम्स उन्होंने 3 चक्कर काटे पूरे दुनिया के। एंड हू सो हैप्पी, और कौन खुश है आप, यस डक एंड कंगारू बोथ वर वेरी हैप्पी। अभी डक एंड कंगारू दोनों बहुत खुश हैं, दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं। कंगारू ने भी डक की रिक्वेस्ट मान ली और वो उसने कहा कि हम रेडी हैं, रात को निकलेंगे, और उसको बोला कि टेल के एंड पे बैठना है और अच्छे से बैलेंस बना के बैठना है। तरीके से डक एंड कंगारू दोनों ने हॉपिंग और जंपिंग करते हुए ट्रैवलिंग किया और पूरे वर्ल्ड के 3 टाइम्स राउंड काटे, और दोनों ही बहुत ही खुश थे और हैप्पी थे और एंजॉय कर रहे थे। तो लेट्स सी वंस अगेन द थीम ऑफ द पोयम। ये पोयम है एक थीम ऑफ फ्रेंडशिप पे डील करती है, क्योंकि यहाँ पे दो फ्रेंड्स हैं डक एंड कंगारू, और दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, और क्योंकि एक ने रिक्वेस्ट की और दूसरे ने जो भी प्रॉब्लम थी उसको फ्रेंकली बता दिया, और इस तरीके से उसने कंगारू ने प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो और रेडी भी हो गया, और दोनों फिर ट्रैवलिंग करने निकल जाते हैं पूरे वर्ल्ड का, और एक साथ दोनों एंजॉय करते हैं। इस तरीके से ये जो पोएम है, ये डायलॉग है डक एंड कंगारू के बीच में, और बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से बुक दिखाए गए हैं और उनके एडवेंचर को यहाँ पे नरेट किया गया है। आई होप कि पोएम बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।